WWE की सबसे बड़ी कमियां। नंबर 11, हाउ टैलेंट कैन इवेड सिक्योरिटी। जब भी कोई फैन बैरिकेड के ऊपर आता है तब WWE की सिक्योरिटी टीम को उसे पकड़ने में बस कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, लेकिन एक WWE टैलेंट जो एक मैच में शामिल नहीं है वो जब बैरिकेड्स तोड़कर रिंग में आते हैं तब ये सिक्योरिटी टीम कभी भी नहीं दिखती। इसके अलावा पता नहीं रेसलर्स बैरिकेड्स के पास आ जाते हैं और सिक्योरिटी टीम उनसे कोई सवाल तक नहीं करती। WWE ने हाल ही के सालों में इसका तोड़ निकालने की भी कोशिश करी है। जब भी सोलो सिकोआ ने रोमन रेंस के मैचेस में दखलअंदाजी करी है तब वो एक ब्लैक हुडी में दिखे हैं, ताकि किसी को उनके ऊपर शक ना हो। इसका मतलब है कि अगर कोई फैन ब्लैक हुडी पहनकर आ जाए तो वो भी आराम से बिना किसी को पता लगे रिंग साइड एरिया तक पहुँच सकता है। नंबर 10, रेसलर्स आर पुट अंडर अ स्पेल। रेसलिंग में पुराने तरीकों की भरमार है और उनमें से एक ये है कि हमेशा ही एंट्रेंस म्यूजिक बजने से रेसलर्स का ध्यान भटक जाता है और वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो हर काम छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि अगर वो एक बड़ा मैच जीतने वाले हों तब भी रुक जाते हैं। एग्जांपल के लिए 2019 का मनी इन द बैंक मैच देख लीजिए। मुस्तफा अली का पूरा हाथ मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के ऊपर था, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग बजा तब अली डर की वजह से वहीं रुक गए। अली आराम से होश में आकर बैक ले सकते थे और ब्रॉक लेसनर उनके पास भी नहीं पहुंचे थे और अली अपने करियर का सबसे बड़ा मैच जीत सकते थे, वो बस एक बेवकूफ की तरह वहां खड़े थे। ये एक गलत बुकिंग मूव था। डिस्ट्रैक्शन का ये तरीका अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब एक रेसलर की वजह से दूसरे रेसलर कुछ हार जाएं। एक रेसलर का थीम सॉन्ग बजेगा या वो खुद रैंप पर आ जाएगा और इससे दूसरा रेसलर इतना हैरान हो जाता है कि वो अपना मैच ही हार जाता है। WWE इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस अब कम से कम करती है और ये सही भी है, क्योंकि इनसे किसी का फायदा नहीं होता और रेसलर्स को खास मैचेस में डिस्ट्रैक्ट करने के इससे भी अच्छे और क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं। नंबर 9, द पुलिस लेट WWE रेसलर्स कमिट हीनस क्राइम्स। WWE के इतिहास में ऐसे कई स्टोरी लाइन्स रहे हैं जिनमें पुलिस आई है और किसी रेसलर को एक गंभीर अपराध की वजह से हिरासत में ले लिया है, लेकिन ये कभी साफ नहीं किया गया है कि पुलिस ये कैसे तय करती है कि उन्हें WWE में कब और कहां आना है। WWE में बहुत सारे अपराध किए गए हैं, जैसे कि किसी की जान लेने की कोशिश करना, और पुलिस को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं रहती। इसकी सीधी बात 1999 में विंस मैकमैन और दी अंडरटेकर के फ्यूड के दौरान हुई थी, जब मैकमैन ने पुलिस की मदद मांगी थी क्योंकि अंडरटेकर उनके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। तब उस समय पुलिस डिपार्टमेंट ने मैकमैन पर ये इल्जाम लगाया था कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। नंबर 8, यू आर इन अ ब्लड फ्यूड। प्रो रेसलिंग और खास करके WWE के बारे में एक सबसे अजीब बात यह है कि जब भी किन्हीं दो रेसलर को कट्टर दुश्मन दिखाया जाता है और उसके बाद उनका मैच होता है तब वो मैच से पहले हाथ मिलाते हैं। इस तरह हाथ मिलाना एक दूसरे के लिए सम्मान दिखाने का तरीका होता है, लेकिन जब बात कट्टर दुश्मन और उनके बीच होने वाले मैचेस की होती है तो रेसलर्स को पहले हाथ नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि उन दोनों रेसलर्स को तो एक दूसरे के लिए गुस्सा दिखाना चाहिए, और ऐसे हालात में हाथ मिलाने का कोई मतलब नहीं बनता। और ऐसा ही हुआ था 2018 में जब सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस का आमना सामना एक TLC इवेंट में हुआ था। हालांकि उनका फ्यूड गुस्से से भरा हुआ था और दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने मैच से पहले हाथ मिलाया और ट्रेडिशन के मुताबिक चेन रेसलिंग करी, जैसा कि होना चाहिए था। फैंस ने इस बात की बहुत निंदा करी क्योंकि ऐसा करना जरूरी नहीं था, और इस बात में भी कोई हैरानी नहीं थी कि वहां मौजूद फैंस इस मैच के खिलाफ हो गए थे। नंबर 7, द अंडरटेकर सिलेक्टिव पावर्स। सुपरनेचुरल किरदारों को असरदार तरह से प्रेजेंट करना मुश्किल है, लेकिन अंडरटेकर के मामले में WWE के लिए सब मुमकिन हो गया। अंडरटेकर अपने किरदार के लिए 30 सालों तक वफादार रहे और बदले में उन्होंने प्रो रेसलिंग को इतिहास के सबसे बड़े रेसलर्स में से एक दिया। इस किरदार के बहुत सारे एलिमेंट्स ने हर एरा में अपना असर दिखाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस किरदार की सारी बातों का कोई मतलब निकलता है। एग्जाम्पल के लिए अंडरटेकर की पावर्स की बात करते हैं, जैसे कि लाइट्स को कंट्रोल करना, जो अंडरटेकर ने कुछ ही सेगमेंट्स में किया था, लेकिन जब बात उनके 1-on-1 मैचेस की आती है तब अंडरटेकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करते, और अगर अंडरटेकर में सच में ऐसी शक्तियां हैं तो वो नो DQ जैसे मैचेस में उनका इस्तेमाल करके आराम से जीत सकते हैं। इस बारे में WWE प्रोग्रामिंग पर कभी बात नहीं करी गई, और हालांकि इसका जवाब यही होगा कि अगर अंडरटेकर अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल हर मैच में करने लगेंगे तो इससे उनका ये एलिमेंट बहुत बोरिंग हो जाएगा, लेकिन अगर WWE अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान देती तो बहुत अच्छा होता। नंबर 6, द कैमरा डजंट एक्सिस्ट। WWE के रेसलर्स का कैमरास के साथ अजीब रिश्ता है। अक्सर रेसलर्स सीधे कैमरे में देखकर अपना प्रोमो देते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसा दिखाना पड़ता है जैसे उनके आसपास कोई कैमरा ही नहीं है। पिछले 20 सालों से WWE को ऐसे बैकस्टेज सेगमेंट्स बनाने की आदत हो गई है जिसमें कैमरास हमें तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन रेसलर्स को नहीं।
ऐसा तब भी होता है जब रेसलर्स कोई खास और गुप्त जानकारी शेयर कर रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि वहां एक कैमरा मौजूद है, लेकिन फिर भी वो ऐसे बात करते हैं। टीएनए के पास इसका अच्छा जवाब था क्योंकि उसके रेसलर्स अक्सर कैमरामैन को देख लेते थे और उन्हें अपने सामने से हटा भी देते थे, यहां तक कि कुछ सेगमेंट्स में छुपकर भी शूट करते थे ताकि ये लगे कि रेसलर्स को कैमरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसे WWE और AEW जैसी बड़ी कंपनीज को भी इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, सपोज्ड डेथ्स। बरीड लाइफ जैसे कुछ WWE मैचेस हैं जिसमें किसी रेसलर को मरते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जब वो रेसलर अचानक से जिंदा होकर वापसी करता है तब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। ये तो समझा जा सकता है कि जब WWE का कोई सुपर नेचुरल किरदार जिंदा होकर वापस लौटते हैं तब WWE उसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देती, लेकिन जब AJ स्टाइल्स जैसे एक आम रेसलर को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए और वो वापसी करे तब WWE को किसी तरह का एक्सप्लेनेशन तो देना ही चाहिए। ये तो साफ है कि ऐसे हालात में किसी तरह का एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल होगा क्योंकि आप इसकी कोई जायज वजह कभी नहीं बना सकते, और इसीलिए WWE ने तय किया है कि उनके लिए यही सही होगा कि इस तरह के सेगमेंट्स में किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दें। नंबर 4, बैन फ्रॉम द अरेना। जब भी कोई रेसलर कुछ गलत करता है तब अथॉरिटी फिगर्स उन्हें अक्सर अरेना से बैन कर देते हैं, लेकिन रेसलर्स हमेशा इसका भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और वो टिकट्स खरीदकर फैंस की तरह अरेना में आ जाते हैं। इस बात का कोई तुक नहीं बनता है क्योंकि अगर किसी रेसलर को एरिना से ही बैन कर दिया जाए इसका ये मतलब भी होता है कि वो एरिना में होने वाले किसी भी शो के लिए टिकट्स भी नहीं खरीद सकते। ये एक ऐसा लूप होल है जिसका सालों से बहुत फायदा उठाया गया है। WWE के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि उनके रेसलर्स को ऐसा करने की अनुमति क्यों दी जाती है। नंबर 3, द अनाउंस टेबल। अनाउंस टेबल प्रो रेसलिंग में सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स में से एक है। रेसलर्स अक्सर अपने ओपोनेंट्स को अनाउंस टेबल पर फेंकते हैं और ऐसे स्पॉट्स ऑडियंस को भी काफी पसंद आते हैं। इस स्पॉट को सफल करने के लिए और टेबल को तोड़ने के लिए रेसलर्स हमेशा स्पॉट से पहले टेबल को पूरी तरह खाली करते हैं। ये रेसलर्स की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, लेकिन अगर उन्हें अपने ओपोनेंट्स को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचानी है तो टेबल पर पेन, लैपटॉप और मॉनिटर्स जैसे चीजों को तो रहने देना चाहिए। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग्स। WWE को एक बड़े मैच के लिए टीवी पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना बहुत पसंद है। इस तरह के सेगमेंट्स एक फ्यूड को और बड़ा बनाने का काम करता है, और लाइव टीवी पर इस तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने से मैच की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती है और वो सच्ची भी लगती है। हर साल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए कुछ ही मैचेस को चुना जाता है, जिससे ये सवाल उठता है कि आखिर इन मैचेस को चुना कैसे जाता है और क्या शो के हर मैच में कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है। WWE ने कभी इसकी कोई सफाई नहीं दी है और हमें बस ये मानना पड़ता है कि पे-पर-व्यू के हर मैच में एक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है। तो क्या WWE के अथॉरिटी फिगर्स सारा समय रेसलर्स के सिग्नेचर्स ही लेते रहते हैं? शायद इसका जवाब ये हो सकता है कि WWE के ऑफिशियल्स अपने सबसे बड़े मैचेस की साइनिंग ही ऐसे लाइव इवेंट्स में करवाना चाहती है जिससे उस मैच की पब्लिसिटी भी हो जाए और लोगों में उस मैच के लिए उत्सुकता भी बनी रहे। नंबर 1, रेसलर्स डोंट वॉच द शो। जब भी WWE रॉ या स्मैकडाउन प्रेजेंट करती है तब वो अक्सर लाइव ब्रॉडकास्ट ही होता है, और अनाउंसर और रेसलर्स भी ये बात कबूल करते हैं कि रॉ स्मैकडाउन एक नेटवर्क के ही शोज हैं, लेकिन ये रेसलर्स खुद अपने शोज क्यों नहीं देखते? बीते सालों में ऐसा कई बार हुआ है कि जब एक रेसलर अपना ही शो नहीं देख पाया। ऐसा अक्सर तब होता है जब रेसलर को ये पता ही नहीं होता कि वो भी इस शो में हिस्सा लेने वाले हैं, और इससे उनके किरदार पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस फॉर्मूला को तोड़ने वाला एक रेसलर है केविन ओवेंस। ओवेंस अक्सर कहते हैं कि वो अपने शोज देखते हैं और उन्हें पता होता है कि पिछले शोज में क्या हुआ है, और उन्हें पता होता है कि बाकी रेसलर्स कैसा बर्ताव करने वाले हैं। और यहाँ खत्म होते हैं WWE की सबसे बड़ी कमियों की हमारी लिस्ट। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।